हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं और कंपैरिजन करने वाले हैं बर्जनर की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई का विनोद की स्टेनलेस स्टील कढ़ाई से। दोनों ही काफ़ी पॉपुलर कढ़ाइयाँ हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। बर्जनर भी काफ़ी समय से आ रही है और विनोद तो ऑब्वियस ही बात है, हर कोई जानता है कि काफ़ी फेमस कढ़ाई है। तो आज मैं इन दोनों का ही एक बिल्कुल अनबायस कंपैरिजन करने वाला हूं, अच्छी बुरी बातें बताने वाला हूं और क्या खासियत है दोनों कढ़ाइयों में उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है और साथ ही साथ आप लोग को मज़ा आएगी, क्योंकि काफ़ी समय से लोग मेरे से पूछते भी आ रहे हैं कि थोड़ी सी ऐसी वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें हर एक डिटेल कंपैरेटिव तरीके से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बर्जनर की। तो बर्जनर में क्या होता है, दो तीन तरीके की सीरीज आती है। जो आज मैं बात करने वाला हूं ये इसकी प्रीमियम सीरीज है, जिसको हम कहते हैं आर्गेंट सीरीज, जो कि एक्स्ट्रा डीप में आती है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि कढ़ाई कभी भी अगर लें बर्जनर की या विनोद की तो एक्स्ट्रा डीप मॉडल में लें। इसको भी मैं एक्स्ट्रा डीप से ही कंपेयर करूंगा। जो साइज है वो 4 से 6 लोगों की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। और जल्दी से इसको ओपन करता हूँ दोनों ही कढ़ाइयों को और इसका कंपैरेटिव रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग। ठीक ठाक पैकेजिंग है, पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसकी वजह से कढ़ाइयाँ खराब ना हो। तो ये एक बर्जनर की कढ़ाई है जिसको मैंने निकाल लिया है, डिब्बा वापस वैसे ही पैक कर देता हूँ और इसके ही पीछे ही लगा दिया जाएगा। तो उसके अलावा फिर अब मैं बात करने वाला हूँ ये बर्जनर की, और बर्जनर के साथ ही साथ मैं विनोद की भी बात कर सकता हूँ। तो विनोद को भी ओपन ही कर लेते हैं। विनोद यहाँ पे 26 सेंटीमीटर की है और 26 सेंटीमीटर की है जो कढ़ाई है, ये आज कंपेयर होने वाली है बर्जनर से। तो दोनों को कुछ इस तरीके से रख देते हैं, यहाँ पे विनोद, यहाँ पे बर्जनर। और अब मैं देख लेता हूँ कि ये ऑन फोकस है, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ा देते हैं दोनों कढ़ाइयों का और आज एक कंप्लीट डिटेल रिव्यू होने वाला है दोनों ही कढ़ाइयों का। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ बर्जनर की। तो बर्जनर का जो ढक्कन दिया हुआ है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ से बर्जनर लिखा हुआ है। अगर मैं आपको यहाँ से गैपिंग की बात दिखाता हूँ तो रिवेट्स में और ढक्कन में कहीं भी आपको गैपिंग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल इंटैक्ट लगे हुए हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा सॉलिड है। सॉलिड कहने का मतलब है इसकी डिज़ाइनिंग भी आप देख रहे होंगे तो ये मुझे काफ़ी पसंद आता है और हाथ में बहुत अच्छी तरीके से फिट भी हो जाता है। तो इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है। अगर क्वालिटी की मैं बात करता हूँ तो स्टील जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी हुई है। तो ढक्कन से तो मेरे को कोई भी ऐसा कमी इसमें नज़र नहीं आ रही है। अब मैं बात करता हूँ विनोद की। तो अगर विनोद के ढक्कन को मैं इससे कंपेयर करता हूँ, हालांकि विनोद में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं दिख रही है। और अभी रीसेंट में इस बात का ध्यान रखेगा, ये विनोद का यहाँ पे विनोद लिखा हुआ है, बट रीसेंट में कुछ कढ़ाइयाँ ऐसी आई हुई हैं जिसमें उन्होंने हैंडल में थोड़ा चेंजेस कर दिए हैं। अगर आपके पास इस सीरीज की कढ़ाई आ जाती है और इस टाइप का हैंडल है तो हैंडल अच्छा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंजस्टेड है। बट ये है कि हाँ, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और साथ ही साथ रिविट जिस हिसाब से लगी हुई हैं वो मुझे ठीक लग रही हैं, पर थोड़े चेंजेस हैंडल में हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप विनोद की कढ़ाई खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा हैंडल में कुछ इस टाइप से विनोद लिखा होना चाहिए और ये चीज़ थोड़ी सी थिक होती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ढक्कन की अगर मैं बात करता हूँ तो ढक्कन में कोई बहुत ज़्यादा एज सच डिफरेंसेज नहीं है, बस यहाँ पर ये पकड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा कम्फर्टेबल है। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ एक्स्ट्रा डीप के बारे में। तो एक्स्ट्रा डीप में ये 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है और एक्स्ट्रा डीप में ये भी 26 सेंटीमीटर की कढ़ाई है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ क्वालिटी की, जो स्टील की होती है। अब यहाँ पे 304 ग्रेड की स्टील तो इन्होंने दे रखी है और इसको 18x8 की स्टील भी कहा जा सकता है। 18x8 की स्टील का मतलब हो गया निकल और क्रोमियम जो होता है वो 18x8 के कॉम्पोजिशन में होता है, मगर जो बर्जनर देता है वो यहाँ पे 18x10 की स्टील देता है। 18x10 में क्या होता है ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी करके दिया हुआ है। तो क्वालिटी ऑफ स्टील और नॉन रिएक्टिवनेस इसमें ज़्यादा मिलेगी आपको। और साथ ही साथ अगर इसके बाद में अगर आपको वजन अगर कंपेयर करके दिखाऊं तो वो भी अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा, मगर उससे पहले मैं इसका साइज बता देता हूं। अगर मैं बर्जनर की बात करता हूं तो बर्जनर का साइज जो होता है वो 4.5 लीटर है 26 सेंटीमीटर कढ़ाई का, जो कि 4 से 6 लोगों की फैमिली के लिए काफी ज्यादा बेहतर है। हैंडल की ग्रिपिंग भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, यहाँ पे आराम से हाथ चला जाता है तो इसको धुलना बहुत ज्यादा आसान है। ये बात मैं इसलिए भी मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है हैंडल के साइड में गंदगी भरने की, तो यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं भरेगी और हैंडल में बर्जनर
कंडीशनर की मार्किंग भी आपको मिल जाती है। नीचे से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इंडक्शन बॉटम मिलता है, हैवी बॉटम नहीं मिलेगा, कंप्लीट ट्राइप्लाई स्टील में है और बाकी बहुत सारी डिटेल्स इसमें देखने को मिल जाती है। 18x10 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं विनोद की, तो विनोद की 26 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर कढ़ाई ये टॉप सेलिंग है इंडिया में। और इसकी अगर कैपेसिटी की मैं बात करता हूं तो जैसे कि ये 4.5 लीटर की थी, ये 4.1 लीटर की है। 4.1 लीटर की ये कढ़ाई थोड़ी सी कर्व्ड है बट हर तरीके के इंडक्शन में कंपैटिबल होती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं इसके हैंडल की, तो हैंडल में बहुत जरा सी रीच रहती है हाथ की। तो अगर हैंडल का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं साइड हैंडल्स का, तो मुझे बर्जिनर का ज्यादा पसंद आया, नो डाउट। और उसी के साथ साथ ये है कि हाँ, इसका भी ठीक ही है। और ऑब्वियस ही बात है कि हैंडल में आप खुद ही ये देख पा रहे हो कि थोड़ा सा आपको साइड में जगह ज्यादा मिल रही है, तो स्टे कूल जो चीजें होती हैं वो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी बेहतर रहेगी। हालांकि दोनों ही लगभग स्टे कूल तो रहते ही हैं। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं नीचे की तरफ से उसी तरीके का बेस मिलता है जैसे कि ये है, अलग से बेस लगा हुआ नहीं होता है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कंपैटिबिलिटी की, तो ये हर तरीके के कुकटॉप्स में चल जाती है। बर्जनर की ये जो कढ़ाई है एक्स्ट्रा डीप में, यह आपकी गैस इंडक्शन सिरेमिक हॉट प्लेट सब पे कंपैटिबल होती है, ये भी सब पे कंपैटिबल होती है। इन कढ़ाइयों में, दोनों ही कढ़ाइयों में आपको कहीं भी प्लास्टिक का यूज नहीं मिलेगा, कहीं भी रबड़ का यूज नहीं मिलेगा। दोनों में ही क्लियर रिवेट्स मिलती हैं, काफी डिस्टेंस में है, इसमें भी काफी डिस्टेंस में है। बट यह है कि अगर देखा जाए तो बर्जनर में थोड़ा सा ऊपर दे रखा है जिससे यूटिलिटी बढ़ जाती है कढ़ाई की, इसमें जरा सा नीचे दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है, अब आप यहां से ये देख पाएंगे कि कितना डिफरेंस यहाँ पे दिया है। रिविट्स थोड़ी सी ऊपर होती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि सफाई करने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ दोनों ही कढ़ाइयों की, तो ये दोनों ही कढ़ाइयाँ, ये दोनों का बाय लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, जहाँ से आप ये खरीद सकते हैं। बट समय आ गया इन दोनों कढ़ाइयों को वजन करने का। ऑब्वियस ही बात है कि जो दोनों ही कढ़ाइयाँ लगभग 26 सेंटीमीटर की है, तो दोनों को वजन कर लेते हैं, फिर बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो यहाँ पे वेट मशीन मैंने ऑन कर ली है। सबसे पहले मैं बर्जनर को विदाउट लेट, क्योंकि देखिए ढक्कन का तो बहुत ज्यादा रिलेवेंस होता नहीं है वजन में, तो यहाँ पे मैंने बर्जनर को वेट किया है जो कि 1 kg 558 grams है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ सामने लेकर आ जाता हूँ और आपको सामने दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको जीरो दिख रहा होगा, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा फोकस कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1 kg 558 grams है। अगर इसके बाद अगर मैं इसको वजन करता हूँ विनोद की कढ़ाई को, तो ये आती है 1 kg 442 grams। कहने का मतलब ये है कि 110 grams ये ज़्यादा है, 100 ग्राम का अंतर है दोनों ही कढ़ाइयों में। और ढक्कन का बहुत ज़्यादा रिलेवेंस वजन में तो नहीं होता है, तो मैं इतना ज़्यादा उसको फोकस नहीं करूँगा। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो अगर जहाँ ये वाली कढ़ाई आपको लगभग 2800 के आसपास में मिलती है, वहीं यही कढ़ाई 3200 की रेंज में मिलेगी। जो डिफरेंस है रेंज का, वो मैं जस्टिफाई यहाँ पे आपको करता हूँ। पहली चीज है 18x10 की स्टील यहाँ पे दे देना, दूसरी बात है 4.5 लीटर कैपेसिटी देना, तीसरी बात है हैंडल का बिल्कुल अलग तरीके से बनना, यहाँ पे ये देखिएगा। और अभी रिसेंट में मैंने कुछ चीजों में देखा है, हालांकि दोनों ही कढ़ाइयां इतनी आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की है कि मैं दोनों को ये नहीं कह सकता कि ये कढ़ाई अच्छी है ये कढ़ाई अच्छी है, बट जो एक सामने दिखने वाली चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पे अगर आप कम रेट में बेहतर चीज लेना चाह रहे हैं, 200-400 रुपए 500 रुपए भी बचाना चाह रहे हैं, तो विनोद की ये कढ़ाई बहुत अच्छी है। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हैंडल है उसमें थोड़े से डिफरेंसेस आए हैं। हालांकि जो पीस मेरे पास है उसमें ये डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट अगर आगे चल के मेरे को मैं अगर एक ब्रांड न्यू पीस भी अगर अरेंज करता हूं किसी तरीके से, तो उसमें वो चीज मैं जरूर आपको दिखाऊंगा। और यहां पे ये चीजें आपको उस तरीके से ही मिलेंगी। तो मिला जुला के अगर कंपैरिजन किया जाए कि बर्जनर की कढ़ाई थोड़ी सी कॉस्टलियर साइड में है, लगभग 400 के आसपास का डिफरेंस है, मगर थोड़ी सी बड़े साइज की है, 18x10 की स्टील है, यहाँ पे 18x8 की स्टील आपको देखने को मिलती है। ये विनोद की प्लैटिनम सीरीज की कढ़ाई थी, ये बर्जनर की आर्गेंट सीरीज की एक्स्ट्रा डीप कढ़ाई है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। दोनों का ही बाय लिंक मैंने नीचे वीडियो में दे रखा है, तो वहां से आप ये कढ़ाइयां खरीद सकते हैं, ओरिजिनल कढ़ाई आपके घर तक पहुंच जाएगी। दोनों ही टॉप सेलिंग कढ़ाई है। तो इस टाइप की वीडियो के लिए आज ही लखनऊ लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस टाइप की वीडियो आपके लिए रेगुलर बेसिस पे बनाते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस।